अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के महानगर इकाई की नई कार्यकारिणी का गठन किया गया, जिसमें प्रोफेसर एन के राणा को दोबारा अध्यक्ष और सौरभ गौड़ को महामंत्री नियुक्त किया गया। इसी के साथ अन्य पदाधिकारियों और कार्यकारिणी के सदस्यों के नामों की भी घोषणा की गई। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए संगठन की प्रोफेसर उमा श्रीवास्तव और नव नियुक्त महानगर अध्यक्ष प्रोफेसर एन के राणा ने कहा। डॉक्टर स्मृति मल जी, डॉक्टर सर्वेश कुमार। गोरखपुर महानगर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की महानगर इकाई का गठन हुआ है। महानगर अध्यक्ष के रूप में प्रोफेसर एन के राणा जी निर्वाचित हुए हैं और महानगर मंत्री के रूप में श्री सौरभ गौड़ जी निर्वाचित हुए हैं। विद्यार्थी परिषद दुनिया का सबसे बड़ा छात्र संगठन है और सबसे बड़ा हो 35 लाख से भी ज़्यादा इसके सदस्य हैं। सबसे बड़ा होते हुए भी सबसे ज़्यादा लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं का पालन विद्यार्थी परिषद में किया जाता है। सबकी सहमति से, सबकी सर्वसम्मति से जो नाम निकल के आते हैं उनको सबके द्वारा स्वीकार किया जाता है और इसी क्रम में आज के अध्यक्ष, महामंत्री और पूरी कार्यकारिणी का गठन किया गया है। नगर इकाई का पुनर्गठन हुआ और मुझे महानगर के अध्यक्ष के रूप में दोबारा चयनित किया गया है। इस सबसे पहले तो मैं सारे जितना भी एवीवी के जो अधिकारी हैं, पदाधिकारी हैं, मैं सबसे इसके लिए धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि उन्होंने, ये दूसरा वर्ष है कि मुझे महानगर का अध्यक्ष चुने। और जैसे हम लोग को, सभी को पता है कि एवीवीपी दुनिया के सबसे बड़ा छात्र संगठन है और उससे हम लोग जुड़े हुए हैं। ये हम लोग के लिए गर्व की विषय है। ये संगठन जो छात्र उनके आसपास से जुड़े, जो भी सामाजिक जो कार्यक्रम है, जो भी शैक्षिक वातावरण है उसको सुधारने में, और बाकी हम लोग ये मानते हैं एवीवीपी में कि जो युवा हैं, जो छात्र हैं, वो कल का नहीं आज का नागरिक है और वो देश निर्माण में उनका सहयोग, उनका सक्रिय सहयोग वो हमेशा देते रहेंगे।